नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बार्क का फॉर्म भरने के बारे में देखेंगे। तो बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, कह रहे थे कि सर हमें लिंक नहीं मिल पा रहा कि फॉर्म कैसे भरना है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फॉर्म भरने के बारे में सीखेंगे कि बार्क का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नोटिस भी जारी किया गया है कि न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की तरफ से मुंबई ट्रांबे पुलिस, देख सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ से आप नोटिस भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले इस लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड ये सब पूछेगा लॉगिन करने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार अगर इस वेबसाइट पर फॉर्म भरे हैं तो देखिए आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक, तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, और अगर आप लोग पहले भी अगर फॉर्म भरे हैं तो आपको पुराने वाले से काम चला लेना है, क्योंकि पुराने वाले जो आप ईमेल आईडी और डाले रहेंगे और पासवर्ड डाले रहेंगे वही आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है। ठीक, तो बच्चन जैसे कि अगर आप लोग नए हैं तो नए वालों को क्या करना है, यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए बोलेगा, यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा। स्टेट चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी होगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे आर यू रजिस्टर अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो कर दीजिएगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ पर नीचे डाल के, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके मेल आईडी पर मैसेज जाएगा, मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाएगा, वहां पर जो भी रहेगा दोस्तों उसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों फिर लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपको अपना मेल आईडी यहाँ पर डाल देना है, और ये पासवर्ड दोस्तों जो आपके मोबाइल पर आया होगा वो यहाँ पर डाल के, इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों वहां पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, वहां पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों यहां पर लॉगिन करने के लिए फिर यहां पर आ जाना है आपको, जो आप नया पासवर्ड बनाए रहेंगे यहां पर आपको डालना रहेगा। यहां पर दोस्तों हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, इसके बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करके फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे दोस्तों, इसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए आपके सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा। अब देखिए ये जो आपका पेज है कुछ इस तरह से खुल कर आएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा 02/2022 एनआरबी की तरफ से जो आया है। इसको यहाँ पर पोस्ट नेम, यहाँ पर जिसके लिए आपको अप्लाई करना हो, स्टेनो के लिए वैकेंसी आई है, ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए भी आई है, वर्क असिस्टेंट टेक के लिए भी आया है। तो यहाँ पर जैसे हमें वर्क असिस्टेंट टेक का डालना है तो वर्क असिस्टेंट टेक सेलेक्ट कर लिए, अब हमें सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आप अपना श्री कुमारी मिस SMT डॉक्टर जो कुछ भी है आप अपना डाल दीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डाल देना है। ठीक, यहाँ से आपको नेशनलिटी पूछा जाएगा तो आपको नेशनलिटी इंडियन डाल देना है दोस्तों, इंडियन डाल देना। इसको यहाँ पर रिलीजन पूछेगा तो रिलीजन जो आपका होगा वो डाल दीजिए, जैसे मेरा हिंदू है तो यहाँ पर हिंदू डाल दिए। जन्म तिथि आपका आ जाएगा दोस्तों, जो भी आपका रहेगा। यहाँ से आपका जेंडर चूज करने के लिए बोलेगा तो आप अपना जेंडर चूज कर लीजिएगा। इसको वैवाहिक स्थिति आ जाएगा दोस्तों, तुम सिंगल मैरिड जो कुछ भी होंगे आप अपना डाल दीजिएगा इसमें से। आप अगर यहाँ पर आपका कैटेगरी पूछा जाएगा तो SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी होगा तो आप वो डाल दीजिएगा। फिर इसको यहाँ पर कह रहे सब कैटेगरी, यहाँ से आपका पूछा जाएगा सब कैटेगरी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना सब कैटेगरी डाल देते हैं। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे अगर आप PWS तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर OBC सिलेक्ट कर ली है। इसको कह रहे क्या आप जम्मू कश्मीर के आदिवासी हैं, तो हम नहीं है तो आप इसे नो कर लेते हैं, अगर आप हैं तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। क्या आप 1984 के दंगों में मरने वालों के परिवार के सदस्य हैं, तो नहीं है तो नो कर देंगे। क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो कर देंगे। ठीक, देखिए क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो नहीं है तो नो कर देंगे, जो होंगे वो अपना यस कर देंगे। शारीरिक अपंगता का ये प्रकार अगर आप यस करेंगे तो ये आपका खुलेगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो करिएगा। क्या आप केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यदि हैं तो यस करिएगा, अन्यथा आप इसे नो कर दीजिएगा। और इसके बाद देखिए क्या आप सरकारी आदेशों के अनुसार मेधावी खिलाड़ियों के लिए छूट का दावा करते हैं, यदि करते हैं तो यस करिएगा, अन्यथा आप इसे
नो कर दीजिएगा। इसके बाद सेव ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आपका ये पूरा दोस्तों आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो इतना हम भर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, हम कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा पेज कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ थर्ड जो लिखा है वर्क असिस्टेंट टेक के लिए, यहाँ पर देखिए आपको अपना एड्रेस डाल देना है, पत्राचार का पता, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना सिटी डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, स्टेट जो आपका होगा दोस्तों यहाँ पर स्टेट चूज कर लीजिएगा। ठीक, और इसको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका ये करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और अस्थायी पता सब कुछ सेम है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये भी आपका भरा भराया आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है। अब यहाँ पर देखिए उन संबंधियों के विवरण दे जो परमाणु ऊर्जा विभाग या इसकी संगठक इकाइयों से पहले से कार्यरत हैं। ठीक, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। फिर कंटिन्यू वाले बटन पर आप अपना क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक, जैसे ही दोस्तों आप लोग कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दोस्तों पेज कुछ इस तरह से खुल कर आएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर कक्षा 10 का डिटेल डालना है, यहाँ पर HSC यानी कि 12th का डिटेल डालना है, तो आप अपना डाल दीजिएगा। ठीक, तो कक्षा 10 का और 12 का यहाँ पर डिटेल डाल दीजिएगा। बाकी अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन होगा तो आप उसका भी डाल सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी या जैसे यहाँ पर कक्षा 10 जो आप लोग सेलेक्ट करेंगे, देखिए 10th का है ये, और नीचे आपका 12th का है, तो ये आप दोनों डाल दीजिएगा। तो कक्षा 10 पे यहाँ पर देखिए कक्षा 10 का बोर्ड पूछेगा, आप यहाँ पर बोर्ड डाल दीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग यानी कि कक्षा 10 कब पास किए थे वो डाल दीजिएगा। डिसिप्लिन सब्जेक्ट जैसे मैथ विद साइंस या विदाउट मैथ एंड साइंस है, तो जैसे मैथ हम मैथ और साइंस के साथ किए हैं तो मैथ और साइंस यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। मैक्सिमम मार्क दोस्तों आपका जो होगा वो आपको डाल देना है। आप इसके बाद यहाँ पर मार्क आउटेंट कितना नंबर आपने प्राप्त किया है 10 में वो आपको डाल देना है। यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, हालांकि दोस्तों ये आपका दशमलव में नहीं लेगा, ठीक, इसलिए ये हो जाएगा। इसको यहाँ पर ड्यूरेशन आपको डाल देना है, तो यहाँ पर ईयर ऑफ ड्यूरेशन यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर HSC यानी कि अगर आप लोग वैसे दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ये जो है HSC ये आपका 12th का है, 12th का अगर दोस्तों आप पास किए तो ठीक है, नहीं किए तो आपको भरना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली गई वर्क असिस्टेंट का ये दोस्तों कक्षा 10 बेस पर ही है। ठीक, यहाँ पर अगर आप HSC यानी कि 12 पास है तो यहाँ पर 12 का यूनिवर्सिटी नेम डाल दीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग डिसिप्लिन यहाँ पर ऐसे डाल दीजिएगा, साइंस के साथ साइंस के साथ, इसको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क यहाँ पर आपको डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्टेंड मार्क जो कुछ भी होगा वो डाल देना है। ठीक, इसको यहाँ पर आपका परसेंटेज आएगा, ईयर ऑफ ड्यूरेशन आपको यहाँ पर डाल देना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये रिमार्क आपको डाल देना है। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ये पास आ जाएगा, यहाँ पर पास ऐसे दीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे और आ जाएगा कि ये अगर आप लोग कुछ और भी किए हुए हैं, जैसे कि अगर आप ITI किए हों तो ITI भी सिलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं, डिप्लोमा BSc डिग्री जो कुछ भी आपके पास होगा वो यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्सिटी नाम डाल दीजिएगा, बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, डिसिप्लिन, इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क, ऑब्टेंड मार्क, परसेंटेज, ईयर ऑफ ड्यूरेशन, इसके बाद रिमार्क यहाँ पर डाल के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि आपने आवेदन जो कर रहे हैं, अगर आप वर्तमान में कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका विवरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको अगर है तो आप इसे भरिएगा, अन्यथा मत भरिएगा। जैसे कि यहाँ पर कोर्स नेम यहाँ पर आप अपना डालेंगे, यूनिवर्सिटी नेम, फुल नेम, ड्यूरेशन, ये सब जो सेमेस्टर कंप्लीट, परसेंटेज, ये डाल दीजिए। एक्सपीरियंस होगा दोस्तों तो ये आपको डाल देना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा, सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों आपका देखिए फोटो ऑटोमेटिक ले लेगा। क्यों ले लेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म फिल किया हुआ था। ठीक, तो फोटो जैसे कि हमने ये जो आपको स्टार्टिंग में ही देखे होंगे आप लोग कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो ये हमने पुराना फॉर्म भरा था उसी के आधार पर दोस्तों ये हमारे फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों ले लिया है, तो हमें अपलोड करना नहीं पड़ा है। लेकिन अगर आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा तो अपलोड कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके आप अपना अपलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये आपको क्या करना है फोटो अपलोड करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक, इसको यहाँ पर अपलोड फोटो पर आपको क्लिक कर देना है।
तो ये दोस्तों आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर मेरा फोटो नहीं ले रहा है, यहाँ पर आपको चूज ही करना पड़ेगा क्योंकि नो फाइल यहाँ पर चूजन लिख रहा है। तो हमें क्या करना है, फोटो ही अपना चूज कर लेना है। हम इसे अपना फोटो ही चूज कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना फोटो चूज कर लेंगे। अब यहां से ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फोटो। इसके बाद दोस्तों जैसे हम लोग अपलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के यहाँ पर फोटो अपलोड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेगा फोटोग्राफ चेंज सक्सेसफुल, यानी कि हमारा सेव हो चुका है लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये यहाँ पर आपका शो हो चुका है। अब सिग्नेचर यहाँ पर देखिए, सिग्नेचर यहाँ पर हमें अपलोड करना है। सिग्नेचर भी दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे अपना चूज कर लेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पर जैसे कि साइन हमें चाहिए 40 KB से कम का चाहिए, यहाँ पर हम 17 KB का यहाँ पर हमारा दिख रहा है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ओपन वाले पर क्लिक करके यहाँ पर ये जो बार कोड, यहाँ पर ये कैप्चर कोड दिख रहा है, इस हमें यहाँ डाल देते हैं, अपलोड सेंड पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों ये हमारे देखे करे सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है लेकिन यहाँ पर नो फाइल चूजन दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम इसे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर ये सब कुछ आपका फार्म में भरा भराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो आप अपना चेक कर लीजिए अगर आपका सब कुछ सही है, ठीक। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले कैप्चर कोड, यहाँ पर ये जो है चेकबॉक्स, इस पर क्लिक करिएगा। रिव्यू करना हो तो दोस्तों यहाँ पर रिव्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने रिव्यू कर लिया तो हमारा सब कुछ सही है, तो हमें सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमें 100 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन बोलेगा, यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, ट्रांजेक्शन आई डी, ये सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू टू SBI ईपे फॉर पेमेंट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ से आपका डिटेल पूछे जाएगा, जैसे कि अगर आप लोग कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं यहाँ पर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर लीजिएगा, या फिर भीम UPI के थ्रू करना हो तो आपको यहाँ पर अपना भीम UPI डाल देना है, या UPI को QR कोड आपको जनरेट करना हो तो QR के थ्रू भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ये बार कोड आ जाएगा। अब इस बार कोड को दोस्तों आपको 9 मिनट यहाँ पर देख सकते हैं, इतने सेकंड में आपको क्या है ट्रांजेक्शन कर लेना है। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन करेंगे ये आपका हो जाएगा पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया है, देखिए हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा पेमेंट हो चुका, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा दोस्तों आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों माय एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाना है, इसके बाद लिस्ट माय एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जितना फॉर्म दोस्तों आप भरे रहेंगे सब आपको यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आज जो डेट है दोस्तों हमारा 7 जुलाई 2022 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 जुलाई 2022 के डेट में हमने पेमेंट जो किया था उसका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुका है, ये अंडर प्रोसेस में है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपको क्या करना है कि प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए आपका ये फॉर्म दोस्तों यहाँ पर फॉर्म जो है आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर जब तक आएगा नहीं आपका, तब तक आपको रिफ्रेश करके बार बार आपको पेमेंट का जो कुछ भी डिटेल है आप अपना रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद ही आपको क्या करना है, सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके दोस्तों यहाँ आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, हो ही चुका है, इसके बाद ही आपका प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यही आपका पूरा फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस है, हमें आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।